네, 아무래도 सब आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो जैसे कि अपनी प्रीवियस ब्लॉग देखे होंगे, आज मेरा थर्ड डे है नाइके में आए हुए। शिवा भी आ गया था कल और सुधीर भी आ गई थी। चप्पल चप्पल बाहर उतारो जी। अभी मैं पूजा के कमरे में हूँ, ये यहाँ पर आप देख रहे हो। जैसे मम्मी ने इसी तरह रखा था, आई मीन जो पूर्णिमा का व्रत होता है ना, उसको उसका उद्यापन करते हैं। शिवा को मैंने दवाई दी अभी खांसी की, उससे उल्टी निकाल। तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये 13 निमंत्रण रखे हैं। मतलब ये अलग अलग तरह से, जैसे नारियल वगैरह, चप्पल वगैरह, सूट वगैरह, जेंट्स सूट, लेडीज, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं पूरे पूजा के, आपने प्रीवियस ब्लॉग में देख लिया था। और आज मैं दिखाऊंगी आपको कि आज क्या क्या होता है इस व्रत में। जब सेकंड डे है आज, और शाम को माता रानी भी यहाँ पे आएगी, तो पूरा आपको ब्लॉग देखना है अच्छे से। बाहर चल के मैं दिखाती हूँ क्या क्या तैयारियाँ हो रही है। अभी मुझे भी नहाना है, शिवा को भी नहलाना है, सब बच्चों को नहलाना है। ठीक है, चलिए बाहर चलते हैं, क्या क्या तैयारियाँ हो रही है। क्या अच्छी हो रही है देवी लग रही है। कितने घर पर गोर बटर आटा छोड़ दो जी। तो यहाँ पे आपने देख लिया, कुछ खाने की तैयारी पर लगे हैं। खाना मतलब खाना जो बनेगा उसकी तैयारी कर रहे हैं। और मम्मी वगैरह पूजा में बैठ गए हैं, साथ में मेरा बड़ा भाई और मेरी भाभी भी पूजा में बैठे हैं। तो बस इस तरह से हो रहा है, पूरा ब्लॉग देखिएगा। देख ले, लहंगा देख लिया अपना, देख लिया। हाँ तो फिर बोल रही है, देखो जरा, दे दे कान कान के पहन ले, कान के दिखाओ। और ये जो बालियां हैं ना, सुबह की नानी ने सुबह को गिफ्ट करी है, क्योंकि कहते हैं कि चित्र में एक सोने की गिफ्ट भी कुछ जरूर करना चाहिए। तो जितना मम्मी से हो गई अब। तो उसके बाद है गिफ्ट देने की बारी। मम्मी ने तो गिफ्ट दे दिए जो आपने देखा, और बाकी मैंने जो सूट पहना है अभी नहीं, आगे मैं दिखाऊंगी। मैं अपने भाभियों को और बच्चों को गिफ्ट यहाँ पे दे रही हूँ, दोनों भाभियों के पास। और मैं अभी आगे जो आप सूट देखोगे वो मम्मी ने मुझे गिफ्ट करा है, और बाकी मैंने बच्चों को सबको बोला था, इसलिए मैंने सुबह सुबह दे दिए सबने। बच्चों ने भी, खुश होते हैं बच्चे बहुत, उन्होंने भी वही कपड़े पहने हैं। तो यहाँ पे ये सेज लगाई गई है पंडित जी के लिए जो दिया जाता है, ये बेड दिया गया है, बाकी उसका पूरा बिस्तरा दिया जाता है। तो मम्मी उनके पाँव धुला रही है पंडित जी के, और बाकी उनको जो भी देते हैं, जो वो बोल रहे हैं वही कर रहे हैं। चप्पल पहन क्या हो सब भी जो लगा दो। जो सी वाली ड्रेस पहनी है ना, इसकी नानी ने दी है, ये वाली ड्रेस भी नानी ने दी, नानी की ड्रेस पहनी है आज। सुबह आप भी दिखाओ, दिखाओ जरा। और कान के कैसे लगे आपको? अच्छे, सुंदर लगे। बाल कैसे हो गए तेरे पीछे से देख, खड़े सीधी खड़ी हो, सीधी खड़ी हो, ड्रेस दिखा अपनी पूरी। पसंद आई ड्रेस? पसंद आई है? और अरे दुखो कैसे लगे कपड़े, कैसे लगे बुआ ने दिया आपको गिफ्ट? सुंदर लगे है? सत्या स्वागत। Chicago.
खाना वगैरह पूरा दिन भर होने के बाद उसके बाद शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पर हमारी माता का आगमन हो गया। उससे पहले तूफान चल पड़ा था, बारिश भी हुई थी, लेकिन बाद में फिर मौसम ठीक हो गया। और अभी आप इसको मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके पूरा देखिएगा तो अभी आपने देखा जो मेरा बड़े वाला भाई है ना, वो माता का पुजारी है, माँ दुर्गा है ये, और उनका पुजारी तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ माता की इस पर विशेष कृपा है, वो मंदिर में जाता रहता है। मतलब ऐसा है कि उसमें भक्ति कूट कूट के भरी हुई है। तो यहाँ पे माता रानी जो है सबके साथ गले मिल रही है। हमारे यहाँ पे जितने भी मतलब हिमाचल से होंगे आप, तो आपको पता ही होगा देवी देवता जो भी होते हैं वो किस तरह से नाचते हैं। जैसे खुश होके अगर आपके ये आए हैं, सबसे मिलेगी माता रानी और सबको देखो अपना आशीर्वाद दे रही है, सबसे मिलते हुए जा रहे हैं। जय माता रानी। सबसे मिलने के बाद फिर माता ने अपना आसन ग्रहण कर लिया है, और जब तक वो नाच रहे हैं ना, जैसे खुश होकर देवी देवता नाच रहे हैं, तब तक वो आसन ग्रहण नहीं करते। माता रानी है। हाँ जी, Thank you.
तो इसके बाद यहाँ पे देखो पूजा हो रही है, और अभी घर को कार भी बांधी जाएगी, मतलब पूरा धागा पूरा फेरा जाएगा, वो आप पूरा देखिएगा। तो ये जो टाइम है अभी ना 8 बजे के आसपास का है, और अभी कार पूरे घर में बांधी जाएगी। ये जो कार बांधते हैं ना, धागे की बांधी जाती है, और ये जो आप देख रहे हो मेरे भाई ने धोती लगाई है, और साथ में दो और हैं उन्होंने भी धोती लगाई हुई है। इन्हें कहते हैं कि मतलब माता का क्या होते हैं यार, ये भी कुछ अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, मसाणू टाइप में होते हैं, उन्हें दिखना भी यहाँ पे आप देख रहे हो भेंटे भी गाई जा रही है, साथ में माता भी देखो नाच रही है, और मेरे भाई पे भी देखो माता आई हुई है अभी, और साथ में दो और होती हैं, तीन ये होते हैं जिन पे माता आती है, और वो आगे पूरा जा कर के पूरे घर को कार बांधते हैं। बाकी माता का जो रथ है वो इसी तरह से देखो इधर उधर, जब तक उनके आते नहीं है तब तक माता रानी इसी तरह से नाचती रहती है, और जो उठाने वाले होते हैं ना रथ, उनके कंधों में दर्द पड़ जाती है, मतलब संभालना मुश्किल हो जाता है, जिस हिसाब से मैं देख रही थी ना, तो मतलब बहुत शक्ति होती है देवी देवताओं में। ए चली माँ से
देखिए सब कुछ शांत हो गया है। ये देखिए जिसने रथ उठाया है ना, ये भी मेरा भाई है, तो उसके कंधे मतलब पसीना देखिए आप कैसा आ रहा है इसमें। तो माता रानी अभी अपना आसन ग्रहण करने से पहले चेक करते हैं अपना आसन, उसके बाद बिल्कुल देखिए अभी जब शांत होंगे बिल्कुल तभी रथ नीचे रखा जाता है उससे। ये देखो जब तक माता नाच रही है तब तक रथ को नहीं रख सकते, और जब बिल्कुल शांत हो जाएंगे उसके बाद रथ को रखेंगे। तो अभी आप पूरा भजन कीर्तन सुनिए, पूरा एंजॉय कीजिए। चलिए इसी के साथ ही मैं आज के ब्लॉग को यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। मतलब इतनी सारी चीज़ें होती है ना जो आपके साथ शेयर नहीं हो पाती, बस ये तो थोड़ा सा ब्लॉग है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।